आज मैं मिक्स वेज की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने करवा चौथ के व्रत वाले दिन बनाई थी। ये सब्जी मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाई थी। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीन्स ली है और उन्हें थोड़ा टेढ़ा और बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह कटी हुई बीन्स सुंदर लगती है। इसी प्रकार मैंने गाजर को भी थोड़ा मोटा मोटा और टेढ़ा काट लिया है और उसके बाद उसे लंबाई में बीन्स के बराबर रखा है। दोनों सब्जियों का साइज एक जैसा होने से सब्जी बनने के बाद सुंदर लगेगी। इसी प्रकार शिमला मिर्च को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। वैसे तो हलवाई जब मिक्स वेज बनाते हैं तो उसे पूरा फ्राई करते हैं, लेकिन मैं ये सब्जी एकदम कम तेल में बनाऊंगी। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें कटी हुई गोभी डालेंगे। गोभी को मैंने पहले से ही काट के तैयार कर लिया था। इस गोभी को हम तेल में थोड़ा भून लेंगे। इसको उलटते पलटते चारों तरफ से भूनेंगे जब तक कि ये ऊपर से हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। अब इसमें हम कटी हुई गाजर और बीन्स डालेंगे और इन्हें भी हम थोड़ा भून लेंगे। हमें इन्हें 2 मिनट तक ही भूनना है, पूरा पकाना नहीं है। लास्ट में शिमला मिर्च को डालना है और लगभग 15 से 20 सेकंड तक ही भूनना है। फिर थोड़ा नमक डालना है और 15-20 सेकंड भूनते हुए मिलाना है। इन तैयार सब्जियों को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम पनीर डालेंगे। पनीर को हमें कुछ इस तरह से उलटते पलटते हुए सेक लेना है। पनीर जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने 2 इलायची, 3-4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 7 से 8 काजू भी डाले हैं। साथ में एक हरी मिर्च भी डालकर इन्हें थोड़ा सा भून लिया है। एकदम हल्के तेल और गरम कढ़ाई के कारण ये रोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद अदरक, जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया था, उसे कढ़ाई में डाला है। 2 बड़े टमाटर, उनको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, उसको भी कढ़ाई में डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा नमक डालकर इन्हें 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। इस पूरे प्रोसेस में हमने कोई भी एक्स्ट्रा तेल नहीं लिया है। अब टमाटर में थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये टमाटर थोड़े पक जाएं। टमाटर पक गए हैं कि नहीं ये हमें चेक कर लेना है। जब ये टमाटर पक कर ठंडे हो जाएं तो इन सब को मिक्सी में डाल लेना है। थोड़ा सा पानी भी ऊपर से डालकर इनको एकदम महीन पीस लेना है। हमारा पेस्ट कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब एक कढ़ाई में 1.5 से 2 टेबलस्पून घी लेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तब तैयार टमाटर और काजू के पेस्ट को कढ़ाई में डालेंगे और उसे भूनेंगे। भूनते समय इसके छींटे बाहर आ रहे थे तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया था। काजू होने के कारण ये हल्की सी नीचे से चिपक भी गई थी। बाकी टमाटरों को मैंने मंदी आंच में 5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए सेक लिया है। अगर टमाटर की भुनाई अच्छे से नहीं होगी तो सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। जब ये टमाटर भुन जाएंगे तब इसमें अब हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डालेंगे और इन सबको थोड़ा भून लेंगे। अब इस मसाले में हम 2 टेबलस्पून क्रीम या घर की मलाई डालेंगे और उसे मसाले में मिलाकर थोड़ा सा और भून लेंगे। मसाला जब भुन जाएगा तो इसमें मैंने उबले हुए मटर डाले हैं और उसके बाद भूनकर तैयार की हुई सब्जियों को भी मसाले में डाल दिया है। इन सभी सब्जियों को हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाकर मैंने इन्हें ढककर 2 मिनट तक पकने के लिए रखा है ताकि मसाले का जो पूरा फ्लेवर है वो सब्जी में आ जाए। ये सूखी सब्जी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। जितनी ये दिखने में सुंदर दिख रही थी, खाने में उतनी ही स्वाद बनी थी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।